तो बीजेपी के लिए आज जश्न का माहौल है। अपने स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी एक नई टोपी के साथ उतरी है। पहाड़ी स्टाइल की इस टोपी को बीजेपी ने अपना बना लिया है और कई नेता इस टोपी को पहने नजर आ रहे हैं। 11 मार्च को जब पीएम गुजरात दौरे पर गए थे तो मोदी के इस दौरे की देश विदेश में खूब चर्चा हुई। पीएम के इस दौरे पर फूल बरसने वाली तस्वीरों के साथ साथ इस भगवा टोपी की भी भरपूर चर्चा हुई। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक ये टोपी 11 मार्च को ही पीएम के दौरे पर गुजरात में लॉन्च की गई। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने इस टोपी को पीएम मोदी को पहनाकर लॉन्च किया था। भारतीय जनता पार्टी का पहले से ये कलर की टोपी वो पहनते ही है, हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उसको बनाया है जो सबको दिया था। बीजेपी की इस नई टोपी का रंग भगवा है लेकिन स्टाइल नया है। बीजेपी की इस नई टोपी को पहाड़ी स्टाइल में तैयार किया गया है। तिरछे स्टाइल की इस टोपी में बीजेपी का सिंबल कमल का फूल बना है, साथ ही लिखा है भाजपा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये टोपी बीजेपी के बढ़ते कद और पार्टी की गरिमा का प्रतीक है। प्राइड होना चाहिए ना, भारतीय जनता पार्टी आपको सांसद बनाती है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत के कारण, उसके कार्यकर्ताओं की ताकत के कारण आप सांसद हैं, तो वो तो प्राइड होना चाहिए ना। टोपी पहनने का मतलब है कि वो प्राइड है, जैसे पगड़ी होता है वैसे टोपी है। अब ये टोपी बीजेपी की आधिकारिक टोपी बन गई है। सभी सांसदों को बैठक में ये टोपी भी दे दी गई। बीजेपी नेता टोपी के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह, निशिकांत दुबे और मुख्तार अब्बास नकवी ने भी टोपी के साथ अपनी तस्वीर ट्विटर पर साझा की। कितने डिजाइन की है, क्या पार्टी ने मतलब लार्ज स्केल पे इसको तैयारी की है कि सब लोग अब टोपी ही पहने, देखिए या कुछ और प्लानिंग है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में इस टोपी को पहना था और कार्यकर्ताओं ने इसे बहुत ही अच्छे रूप में लिया। कार्यकर्ताओं ने इस टोपी का उपयोग किया, फिर अखिल भारतीय स्तर पर इस टोपी का प्रसार हुआ है। हम सभी सांसदों को ये टोपी मिली है और मुझे लगता है कल 6 अप्रैल को आप देखेंगे सर पे काले बाल नहीं, भगवा रंग दिखाई पड़ेगा, टोपी ही टोपी दिखाई पड़ेगी, भगवा ही भगवा दिखाई पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए राकेश सिन्हा जी थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति का प्रतीक है और इसलिए बाल नहीं, कल जब स्थापना दिवस कार्यक्रम होगा तो टोपी ही टोपी दिखाई पड़ेगी। कैमरामैन सुजीत के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।